हाँ जी, अंधे पशु को कर्म जा रहे हैं। पहला चैप्टर के थॉट रे सोलिस को, सब नो पहला अपन में पता होना चाहिए था जिधर के थॉट रे सोलिस को पे हुंडा की फुल फॉर्म नहीं पता होना चाहिए। कहना ये भी चिक पे थॉट रेज उत्पन्न होती है, वो किसी स्क्रीन पर जाके टकराउंदियां ने, फ्लोरोसेंस रेडिएशन प्रोड्यूस होंदियां ने, जिहड़ियां आपां विजिबल रेडिएशन जिन्हां नूं आपां कोई भी पार्टिकल आ, उहदी मूवमेंट्स आ, उहदी वेव फॉर्म आ, वो आपां ट्रेस कर सकते हैं। पूरी फ्रिक्वेंसी आ, टाइम पीरियड नोट कर सकते हैं। मेडिकल एप्लीकेशन दे विच वी, साइंटिफिक एप्लीकेशन दे विच बहुत ज़्यादा यह यूज होंगे। उस तो पहले आपको पढ़ना चाहिए वोल्टेज सोर्स की है। वोल्टेज सोर्स का मतलब की है भी, वोल्टेज में आप किमें नोट करते हैं, ये तीन तरह के ने, सॉरी दो तरह के। एक तो वोल्टेज सोर्स होंगे सिंपल, जिद गोल सर्कल पा के इस तरह की लाइन ड्रा करते हैं, इन्हों कहने एसी वोल्टेज सिग्नल। एसी वोल्टेज सिग्नल मतलब की है भी, एसी वोल्टेज जो प्रोड्यूस करता वह आप कह रहे हैं एसी वोल्टेज सोर्स। ये टेढ़ी लाइन का मतलब की है, यदि वैल्यू की है वेरी करती है विद रिस्पैक्ट टू टाइम। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट शो किया है, जिस आप दो लाइना ड्रा करके या तीन लाइना ड्रा करके, इस तरह एक बड़ी लाइन एक छोटी फिर बड़ी छोटी लाइन ड्रा करते हैं, उन्होंने आप कहने हैं डीसी वोल्टेज सोर्स। ये डायरेक्ट करंट होंगे, ये वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टाइम वेरी नहीं करते, ये करंट सोर्स होंगे। जिहड़ा अपने को वोल्टेज सोर्स ने एसी, वो विद रिस्पैक्ट टू टाइम आ, जो अपन रजिस्टेंस अप्लाई करते हैं किमें वेरी करते हैं विद रिस्पैक्ट टू रजिस्टेंस है, जो टाइम आ वैल्यू आ वोल्टेज घटती है। ठीक है, उस तो बाद अपने को छोटी छोटी डेफिनेशन ने करंट सोर्स की है। एक तो आ करंट सोर्स है, एक सर्कल बना लिया वो एक अपने एरो ड्रा करता अट्रैक्शन, वो फ्लो ऑफ करंट ये दस दें। ठीक है, जो डीसी करंट हों वो कदे भी घटता नहीं है, कॉन्सटेंट है। विद रिस्पैक्ट टू वेरिएशन ऑफ करंट, विद रिस्पैक्ट टू टाइम है, एक्चुअल वेरिएशन इस तरह नहीं, हौली हौली घटता है जो आप किसी सर्कल टाइम। ये करंट सोर्स के जी रजिस्टेंस हमेशा पैरल लगती है, वोल्टेज सोर्स की रजिस्टेंस हमेशा सीरीज लगती है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स है, ये ला थोड़े दो तुम्हें चार चार पाँच याद करने पड़े ने। इस की है जो दो वोल्टेज सोर्स ने, ये थोड़ा एक आप एग्जाम्पल लवेंगे, जिमें आप घर बैटरी यूज करते हैं, कुछ सैल यूज करते हैं घर आप बैटरी सैल पाने या किसी चीज़ भी पाने, जब बैटरी आप घर देखी है। ठीक है, वो तो थोड़ा पता लग जूगा है भी, अगर मैं थोड़ा चार पाँच ला पढ़ा लगे तो प्रैक्टिकल देखिए, दो वोल्टेज सोर्स ने क्या ई वन टी टू, उन्होंने आप सीरीज कनैक्ट किया। सीरीज मतलब किमें है, आ पॉजिटिव नैगेटिव है, आ पॉजिटिव नैगेटिव, इन्हों इधर जोड़ता पॉजिटिव नैगेटिव ना पॉजिटिव नैगेटिव, सीरीज जोड़। मान लो आ 12 वोल्ट की बैटरी है, आ भी 12 वोल्ट की बैटरी है, आ नैगेटिव सी आ पॉजिटिव सी, आ पॉजिटिव सी आ नैगेटिव। ठीक है, आ नैगेटिव में पॉजिटिव जोड़ता इधर जोड़ता, हूँ उधरला सिरा नैगेटिव बन गया, सिरा पॉजिटिव बन गया। तो हूँ की हो, दो वोल्टेज सोर्स से दोनों ने सीरीज जोड़िया, तो वोल्टेज की बराबर आ गई 12 वोल्ट की, यही है तो 12 वोल्ट की है, तो टोटल वोल्टेज कितनी बन गई 24। तो पहला तो यह प्रूव करता भी, दो वोल्टेज सोर्स ने जो आप सीरीज जोड़ते हैं तो टोटल वोल्टेज ई वन प्लस ई टू। दूसरा पॉइंट, जो दो करंट सोर्स आप पैरलर जोड़ते हैं, जो आप दो करंट सोर्स जोड़े ने आई वन तो आई टू, उन्होंने पैरलर जोड़ते हैं तो करंट बढ़ता। हम तो ये कन्फ्यूजन हो गए, जो करंट सोर्स में सीरीज जोड़ा तो करंट कुछ नहीं चेंज होता। जिमें एग्जाम्पल मतलब दो करंट सोर्स ले गए, उन्होंने दोनों में आप पैरलर जोड़ता, मान लो 12 वोल्ट की आ बैटरी से, 12 वोल्ट की आ बैटरी से,
वोल्टेज होने करंट सोर्स ने, समझ लो भी इन्हें पांच एम्पीयर का करंट ए या पांच एम्पीयर च एच करंट है, मान लो 12 वोल्ट पांच एम्पीयर का करंट है दोनों बैटरियां, पांच एच पांच एच। जो मैं दोनों पैरल जोड़ूंगा मान लो पॉजिटिव ना पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव, तो वोल्टेज कितनी रहेगी 12, वोल्टेज 12 रहेगी पर करंट पांच एम्पीयर रहता सी, पांच एम्पीयर रहता सी, इस जान बढ़ गई करंट बढ़ गया कितना हो गया 10 एम्पीयर। यदा मतलब जो दो करंट सोर्स आप पैरल जोड़ा तो करंट डबल हो जाता। हूँ जे आप सीरीज गल करिए जिमें दो वोल्टेज सोर्स ने, हम मान लो हम जिम्मे पहले वोल्टेज सोर्स आप पैरल जो अपना सीरीज जोड़े थे, हम दो वोल्टेज सोर्स ने सपोज कर 12 वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट करंट में छड़ दें, इन्हों दोनों आप पैरल जोड़ता आ दूजे केस जिमें आप हम आप करंट तीजा पॉइंट समझा रहे हैं, दोनों ने पैरल जोड़ता 12 वोल्टेज से 12 वोल्टेज तो वोल्टेज चेंज होगी नहीं कितनी रहूगी 12। इहदा मतलब तीजा पॉइंट की है दो वोल्टेज सोर्स से पैरल जोड़ते हैं तो सिंगल वोल्टेज बराबर ही होगी 12 E1 = E2 = E। जो दो करंट सोर्स है उन्होंने आप सीरीज जोड़ते हैं तो सिंगल करंट आता, किमें जिमें दो पहले आप बैटरी जोड़ी सी पॉजिटिव नैगेटिव ऐ करके, तो हम 12 से 12 24 तो हो गया सी, पर 5 एम्पीयर की है 5 एम्पीयर की है बैटरी ये है तो कि रह गया 24 वोल्ट बन गई 5 एम्पीयर रह गया एम्पेयर होनी रह गई। यह चौथा पॉइंट। हम पंजवा पॉइंट की इफ द रजिस्टेंस है अपना पंजवा पॉइंट, इफ द रजिस्टेंस आर ए कनैक्टेड टू द पैरेलल टू द वोल्टेज सोर्स ई दैन इट इट कैन बी एडमिटेड, सिमिलरली आर ए सीरीज दैन इट कैन बी करंट सोर्स कैन बी एडमिटेड। जिधर जी आर वो पैरलर जोड़ते हैं तो वोल्टेज सोर्स बन जाता, जे रेजिस्टेंस आप सीरीज जोड़ते हैं तो करंट सोर्स बन जाता। जी रेजिस्टेंस आप आर लाई से मैं दसाया जे आप सीरीज जोड़ते हैं तो वह बन जाता करंट सोर्स, जे आप रेजिस्टेंस पैरलर जोड़ते हैं तो वह बन जाता वोल्टेज सोर्स। ये चार ला सके इन आप चंगी तरह पढ़ना ठीक है, पांच सके उस तो बाद अपने को आ जाता जी इंपोर्टेंट डेफिनेशन ही आनी है सिर्फ दो और कोई ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन की है थैविन थ्योरम। हम थैविन थ्योरम कहते हैं एनी लीनियर सर्कट, एनी लीनियर नैटवर्किंग कंसिस्टिंग सर्कट आ जिसे सैवरल जनरेटर ने एंड इंपीडेंस ने कैन बी रिप्लेस्ड बाय, मतलब एक छोटा जि बक्सा उस बहुत ज़्यादा सर्कट ने एक बक्से के बहुत ज़्यादा लीनियर सर्कट ने जिसे इंपीडेंस भी ने लार्ज नंबर इंपीडेंस लगे ने सैवरल जनरेटर लगे हुए ट्रांसिस्टर कैपेसिटर कुछ भी लगे है उन्होंने आप रिप्लेस करना इक्विवेलेंट सर्कट के नाल वोल्टेज सोर्स VC VOC इक्विवेलेंट सर्कट आप रिप्लेस करता है कि वोल्टेज सोर्स ने VOC ने इन सीरीज सीरीज विद द एडमिटेंस AB एडमिटेंस जी है उन्होंने AB है सीरीज में वेयर VOC की है ओपन सर्कट ओपन वोल्टेज नैटवर्क लोड टर्मिनल एट A and B then AB is the impedance of a network looking back from the load AB all the energy source that is voltage and current source can be replaced by internal impedance। hun jinne vi kehnda impedance ya networking circuit de vich looking back to the AB AB to pichle passe pe jinne vi dekhange idhle passe aa side te theek hai AB terminal to unu apa replace kar denge all energy sources na एंड वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर रिप्लेस बाय इंटरनल इंपीडेंस, जिन्हें भी वोल्टेज के करंट सोर्स ने उन्होंने इंटरनल इंपीडेंस ना रिप्लेस कर देना ठीक है। ये है ये थै अपनी थैविन थ्योरम का डेफिनेशन, याद कर लियो प्रूफ है बस सिंपल जी आह चीज़ बना लेनी है, पर सर्कट डायग्राम ये बहुत ज़्यादा सर्कट ने आप आउटपुट लै दी इतों ठीक है, आ VOC आ जी जेड आ लोड इंपीडेंस आता इतने जो इंपीडेंस आ जेड AB है ठीक है। वी ओ आउटपुट करंट के लिए बराबर VOC वोल्टेज डिवाइड बाय V डिवाइड बाय R आई लिख लो R कि है ZL प्लस ZAB एक रिस्टेंस आ लगी एक ZAB की रिस्टेंस होगी ठीक है। ये अपना प्रूफ उस तो बाद दूजे नंबर से है नॉर्टन थ्योरम। ये आप करंट उस आप वोल्टेज सोर्स की गल की ये आप करंट सोर्स की गल करना कहना एनी लीनियर सर्कट देखो उपर की लिखा एनी लीनियर नैटवर्किंग कंसिस्टेड कंसिस्टिंग ऑफ सैवरल जनरेटर
एंड इंपीडेंस कैन बी रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट करंट सोर्स। सारा आप इक्विवेलेंट करंट सोर्स ना रिप्लेस करना इन्हें पैरेलल विद एन एडमिटेंस ए बी। पैरेलल एडमिटेंस की है वाई ए बी, आ वाई ए बी वेयर एस सी का शॉर्ट सर्किट करंट। हूँ एस सी की है, एस आई एस सी की है शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल, एंड वाई ए बी की है एडमिटेंस बिटवीन द टर्मिनल वैन आल जनरेटर आर रिप्लेस बाय इंटरनल इंपीडेंस। जो वाई ए बी की है एडमिटेंस बिटवीन द टर्मिनल दोनों पॉइंट जो मैं ए से बी बनाए हैं वो कहता आल जितने भी जनरेटर ने रिप्लेस करते इंटरनल इंपीडेंस। ठीक है, प्रूफ वाला कोई है नहीं, कोई डेफिनेशन की ज़्यादा लोड पैंती है प्रूफ करने। देखो प्रूफ की है वाई ओ सी लै लिया, जेड ए बी लै लिया, जेड एल लै लिया, तो आई एल की वैल्यू कितनी आ गई बी ओ सी बी डिवाइड आई इक्वल बी अपॉन आर जेड ए बी प्लस जेड एल। हूँ जेड ए बी की है इंपीडेंस, जिन्होंने एडमिटेंस ना करना हो जिमें रेजिस्टेंस आ रहा उल्ट की होंगे कंडक्टेंस, तो उन्होंने आप कंडक्टेंस की लिया वन अपॉन आर। ठीक है, हूँ आप इंपीडेंस है इन एडमिटेंस लिखे वन अपॉन वाई ए बी, ए बी लिख देंगे इन वन अपॉन वाई एल लिख देंगे उल्ट हो जाएगा, तो आप फिर आ की अपनी इंपीडेंस। ठीक है, हूँ आप एलसीएम ला लिया, एलसीएम ला के कैलकुलेट करता उपर करता तो अपने को वाई ओ सी इक वाई ए बी प्लस वाई एल अपन दिस बना। ठीक है, हम जो आ चीज़ की है इनू वाई इन आप कहने आई बी जिकू आई आर है ना, ये बन गया एस सी शॉर्ट सर। ठीक है, तो अपने को इतने तक प्रूफ हो गया। इस तो बार अगर देखो अगर जो मेन जो चैप्टर का अपना सी आर ओ की क्या सी आर ओ तो सोलिस्कोप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कथोडरी सोलिस्कोप है इंस्ट्रूमेंट है विच रिकॉर्ड द इंस्टेंस वैल्यू ऑफ रैपिडली रैपिडली चेंज जी चेंज होंगे ने एकदम रैपिडली चेंज होंगे ने वेरिएशन ने उन्होंने नोट कर ली आप जी फिजिकल क्वांटिटी नोट कर ली आप यूज करते हैं जिमें इलैक्ट्रिक करंट जल्दी एकदम इनक्रीज कर गया, पोटेंशियल मीटर पोटेंशियल इनक्रीज कर गया, साउंड प्रैशर हार्ट बीट। ठीक है, मैनी थिंग्स ने जिन्हों आप जी बहुत जल्दी चेंज होती ने जिन्होंने आप अख नहीं दे सकते। ठीक है, तो उन्होंने आपडेंटीफाई करने उन्होंने प्रॉपर्टियां आइडेंटीफाई करने वेलोसिटी या वेरिएशन आइडेंटीफाई करने आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्होंने आप कहने कैथोड रे सोलिस्कोप। ठीक है, उस बारे होंगे की है ये दो प्लेट्स होंगे ने एक वर्टिकल इनपुट दें एक आप हॉरिजॉन्टल इनपुट दें एक ट्रिगर लाइन होंगी है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, उस तो बाद ट्रिगर होंगे स्वैप जनरेटर होंगे एम्पलीफायर होंगे वर्टिकल एम्पलीफायर होंगे जी वर्टिकल आउटपुट एम्पलीफाई करता। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है वो जी हॉरिजॉन्टल जी इनपुट है उन्होंने एम्पलीफाई करता, स्वैप होंगे फिर ट्रिगर होंगे जो ट्रिगर करके अपना लाइन मैच करता, फिर उस तो बाद अगे सी आर टी लगी जी कैथोड रे ट्यूब लगी होती है वो ट्यूब में सिग्नल भेजते हैं उत्थे अगे अगे स्क्रीन लगी होंगी जिसे तो सारा जी डिस्प्ले होंगी अपन पता लगता। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा है अगे है कैथोड रे ट्यूब की है कहना ये प्रिंसीपल कि डिपेंड करता जो फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन ने डिफलैक्टड होंगे ने जोड़े फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन ने वो इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनेटिक फील्ड ना डिफलैक्ट हो जाते हैं, जो आप इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करते हैं तो उन्होंने भी उन्होंने डायरेक्शन पर असर पैंता, जो मैगनेटिक फील्ड अपलाई करते हैं तो भी उन्होंने डायरेक्शन पर असर पैंता। ठीक है, फिर वो जाके कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराते हैं तो वो सिंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें रोशनी पैदा होती है। ठीक है, आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है कैथोड रे ट्यूब दे विच चार पार्ट होंगे ने, पहला हैगा इलैक्ट्रिक गन, दूजे नंबर हैगा डिफलैक्टिंग सिस्टम, तीजे नंबर पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, चौथे नंबर पर टाइम बेस सर्किट होंगे। हुण इलैक्ट्रॉन गन दे विच की है, पहले नंबर पर अपना गन आ जाती है इलैक्ट्रॉनिक गन। इलैक्ट्रॉन गन की है उसके विच की है विच प्रोड्यूस फोकस बीम ऑफ इलैक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा बीम ऑफ इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने प्रोड्यूस करती है इलैक्ट्रॉन गन दे विच प्रोड्यूस होंदे ने, उसके विच की है इलैक्ट्रिक सोर्स आ उसनूं हीट किया जाता वा, हीट करके के इमिट्स इलैक्ट्रॉन, वो मिट इलैक्ट्रॉन मिट करता उसकी जी डेंसिटी है कंट्रोल की जाती है, मैं तुम दस दूँ थोड़े डायग्राम के डेंसिटी कंट्रोल की जाती है कंट्रोल गेट ना, ये नैगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता वा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन रिपेल करता है, तो जिहड़े जिन्हें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होंगी है स्ट्रेट लाइन के होंगे वही इलैक्ट्रॉन चो पास कर सकते हैं एज ए स्लिट के तौर पर, जिम्मे यंग डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट के पढ़ते हैं
स्लिट के तौर पर काम करती है। ठीक है, उस तो बाद अपने को फोकसिंग नोट लगे होते हैं, दो लैंस लगे होंगे, इलेक्ट्रोड लैंस लगे होंगे ने। ठीक है, एक हूँ फोकस करता वा जो बीम फोकस करके लगे आता वा, दूसरा एक्सलेटरी नोट होंगे, इतने पॉजिटिव चार्ज लगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे लार्ज पॉजिटिव चार्ज ताकि इलेक्ट्रॉन की है वह एक्सलेट हो जाए। उस तो बाद एक्सल जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उस तो बाद जो बाहर निकलता तो ये बाद वर्टिकल डिफलैक्शन प्लेट और होरिजेंटल डिफलैक्शन प्लेट लगे होंगे। इन्हों में जो जिन्ना पोटेंशियल अपलाई करते इलेक्ट्रॉन जो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इधर मूव कर दूगा, जो इधर पॉजिटिव नैगेटिव है तो इधर मूव कर दूगा, इधर पॉजिटिव इधर मूव कर देगा। यह मतलब कि इन्हें डिफलैक्ट करना इलेक्ट्रॉन ने, जिनी डिफलैक्शन होगी वो इतने फ्लोरोसेंट स्क्रीन के उत्ते पेगी, इतने पैटर्न बन जूगा जो अपन लिमिट होगा। ये डिफलैक्शन प्लेट डिफलैक्टिंग प्लेट्स हो गई, एक्सएससी वाई एक्सी जो दसिया ने, स्क्रीन होगी फ्लोरोसेंट मटीरियल की बनी जिसमें फॉस्फोर कहते हैं। ठीक है, इस मैं थोड़ा सारा कुछ दस दिता। ठीक है जी, वर्किंग दूसरों दस दिता भी किमें किमें आप वोल्टेज अपलाई करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन मिट होंगे ने, इलेक्ट्रॉन फिर कंट्रोल गेट चो क्रॉस करते हैं, वो तो नैगेटिव पोटेंशियल अपलाई किया हूँ, वो जो बहुत ज़्यादा घट ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पास करते हैं। उस तो बाद एक फोकसिंग होंगे जो इलेक्ट्रॉन फोकसिंग इलेक्ट्रोड फोकस रखा हूँ। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फोकस करता, उस तो बाद इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करने लिए एक एक्सलेटर रखा हूँ। ठीक है, उस तो बाद फिर अपने को डिफलैक्टिंग प्लेट्स होंगे, उन्होंने पोटेंशियल दिता हूँ, जिन्ना ज़्यादा आप पोटेंशियल देवे ज़्यादा वोल्टेज अपलाई करते हैं या घट वोल्टेज अपलाई करते हैं उन्नी वो अगे उपर नीचे डिफलैक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अगर डिफलैक्शन सेंसिटिविटी है, जी डिफलैक्शन सेंसिटिविटी है वो दो तरह की होंगी है, एक तो इलैक्ट्रोस्टैटिक डिफलैक्शन सेंसिटिविटी होंगी है, इलैक्ट्रिक फील्ड ना जी आप डिफलैक्शन करते हैं, एक होंगी है मैगनेटिक फील्ड। हूँ डिफलैक्शन सेंसिटिविटी डेफिनेशन की है, कहना इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डिफलैक्शन प्रोड्यूस बाय स्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन mm एंड सेंटीमीटर वैन द वोल्टेज जी अपलाइड की जाती है डिफलैक्शन प्लेट में 1 वोल्ट। कहना डिफलैक्शन की है, इट इज डिफाइंड एज डिफलैक्शन सेंसिटिविटी की है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डिफलैक्शन प्रोड्यूस बाय द सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने किन्नी डिफलैक्शन सपोर्ट की अपना प्रोड्यूस की 1 mm के सेंटीमीटर के कदों जदों तो 1 वोल्ट अपने लिए डिफलैक्शन जी डिफलैक्टिंग प्लेट ने उन्होंने 1 वोल्ट अपलाई की तो कि डाइवेट होया डिफलैक्शन हुई उन्होंने आप कहने डिफलैक्शन सेंसिटिविटी। हम पहले आप इलैक्ट्रोस्टैटिक डिफलैक्शन सेंसिटिविटी पढ़ते हैं, ये की है सिंपल चीज़ ने, मान लो इधरों इलैक्ट्रॉन आ रहा एक्सलेट होकर एक्सलेट आप इलैक्ट्रॉन करने के लिए एक्सलेट आ रहा आ अपन डिफलैक्शन प्लेट्स हो गई जी आप डिफलैक्टिंग करने हूँ आप पॉजिटिव मान लो एक प्लेट में अपने उपरले पास में पॉजिटिव देता नीचे नैगेटिव देता तो हमें इलेक्ट्रॉन जो सीधा जाना स्ट्रेट लाइन के जाना जितने टकाना सर पर इलेक्ट्रॉन होने करके वो पॉजिटिव प्लेट कहीं की अट्रैक्ट हो गया, नैगेटिव प्लेट ने उन्होंने रिपेल किया, पॉजिटिव प्लेट ने उन्होंने अट्रैक्ट किया तो कि इलेक्ट्रॉन सीधा जाते पाया वो इधर मूव कर गया डाइवर्ट हो गया, इतों बाहर निकल के वो स्ट्रेट लाइन के चला गया। ठीक है, इतने अपना नैगेटिव फील्ड नहीं है। हूँ आपको पता भी जो अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल होंगे, ठीक है, हाफ वेलोसिटी के अपन जी हाफ एम वी स्केयर इक्वल ई इनटू वी जिनी वोल्टेज अप्लाई की, इतों वी स्केयर की वैल्यू कढ़ ली अपने को आती गल। हूँ ये एक डायग्राम से जो दोनों जो डिस्टेंस है कितना वा डी है, एक दे टोटल 2D हो गया, इतों इतने का डिस्टेंस जो D2 है, आह अपने डिफलैक्शन प्लेट को लैके स्क्रीन तक का डिस्टेंस जो डी है, तो इतों लैके इतने तक का डिस्टेंस जो वा वो टी है जितों इलेक्ट्रॉन चलिया तो जिस तक बाहर निकल। हूँ आपको पता जी फोर्स है जी अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है, फोर्स कि बराबर ई इंटू वी डी जिन्ना पोटेंशियल अपलाई किया जिन्ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड बाय एस, एस की है डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो हूँ अपने को ए कि बराबर आ गई एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू अपने को आ पी है इन आप एम डिवाइड करते हूँ क्या टी की है टाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स लैंथ जी ट्रांसफर्स लैंथ आ उपरों कवर करने दी। ठीक है, उन्होंने टाइम कि टी लैंथ वेलोसिटी वी है तो अपने टाइम डिस्टेंस जो वेलोसिटी का फार्मूला होंगे टी इज इक्वल टू लैंथ ओवर वेलोसिटी। ठीक है, हूँ वाई इज इक्वल टू आप एक फार्मूला लाने जी होरिजेंटल वर्टिकल वेलोसिटी हुई है एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होंगे ना फार्मूला, हूँ वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर होंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इतने वाई जी करू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला है यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ए इंटू टी पुट करता है टी की वैल्यू कितनी है आ पी है ए की वैल्यू कितनी है आ पी है ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं वी वाई की वैल्यू निकल गई। हूँ डी वन कढ़ना उपर डिस्प्लेसमेंट कि
जी अपने अप्लाई की आई ये स्टूडेंट कटनी ये फार्मूला होंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर हूँ एस इक्वल यू एस की वैल्यू डी बन आ गई यू टी यू इनिशियल वेलोसिटी की है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा उपर अंदर देखो जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा है उपर अंदर वेलोसिटी है नहीं यहाँ मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो उपर कि जीरो ठीक है तो आप डी वन देखो यू की वैल्यू जीरो पड़ेगी हाफ ए टी स्केयर हाफ हम ए की वैल्यू भी पता आप ए की वैल्यू पता दोनों वैल्यू पता डी वन निकल गया हूँ अपने को डी वन निकल गया आप डी टू भी कटना ठीक है हम डी टू कट लो हूँ टैन ऑफ थीटा कि बराबर आ गया वी वाई पॉन वी डैट इज डी टू पॉन डी इतों डी टू की वैल्यू कट लो कि आ गई डी वी वाई पॉन वी ये वैल्यू पुट कर दो वी वाई की वैल्यू पुट करती डी वन हूँ टोटल अपनी डिस्टेंस जो डिफ्लैक्शन हुई वो कि आ गई डी वन प्लस डी टू डिफ्लैक्शन आही हुई है ना ये टोटल अपने एक मिनट आदि को आ डिफ्लैक्शन हुई है इतों देखो इलेक्ट्रॉन ने इतने आना सी पर इतने नहीं आया उपर चले गए ठीक है आ जी डिफ्लैक्शन टोटल कटनी पहले आप डी वन कटते हम डी टू कटे हम डी वन प्लस डी टू की वैल्यू कट ली देखो डी वन प्लस डी टू की वैल्यू कट ली आ चीज़ आ गई ये तो ये चीज़ कॉमन निकलती है कटती ठीक है कॉमन कट के बेच के लगे एल बाय टू प्लस इंटू टी इनू आप नाम देता कैपिटल एल ठीक है हूँ आप जी डिफ्लैक्शन आ गई वो अपने को आ गई कैपिटल एल वैल्यू पुट करके इनू आप एल पुट करके तो अपने आ चीज़ आएंगे ठीक है हूँ ये जी डिफ्लैक्शन आई है हूँ आप डिफ्लैक्शन सेंसिटिविटी कटनी है डिफ्लैक्शन सेंसिटिविटी डेफिनेशन आप शुरू से पढ़ी है की कह रहे बी डिफ्लैक्शन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैन द पर यूनिट वोल्टेज अप्लाई की जाती है इन वोल्टेज ना डिवाइड कर दो डी अपॉन डी तेन डी ना वी डी डिवाइड करना वी डी कट्टा क्या तो अपने को आ गई ये आ गई डिफ्लैक्शन सेंसिटिविटी हूँ इतनी कटनी आप मैग्नेटिक सेंसिटिविटी जी ए जी सी आर ओ के आप यूज की जाए ने वो सारिया इलैक्ट्रीकल डिफ इलैक्ट्रिक डिफ्रैक्शन सेंसिटिविटी जिमें आप टीवी आप पुराने जमाने टीवी होंगे सी टीवी के ट्यूब होंगी सी मूहे ठीक है वो जरा जी ट्यूब होंगी सी आप मैग्नेटिक डिफ्लैक्शन सेंसिटिविटी यूज करते जी ठीक है उन्होंने यूज की जाती है ये की है आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना ठीक है पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्लैक्शन हुई तो उन्होंने आप कहना मैग्नेटिक डिफ्लैक्शन सेंसिटिविटी ठीक है हूँ ये देखो जोड़ा हम आने को नोटबुक है जितना आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतों निकल गया एक्सलेट हो गया इतने आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड किमें मतलब प्लेन ऑफ अ पेपर एज रोड इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं ना तो जो डॉट ने मतलब आ थोड़ा बुक ठीक है आ बुक के उत्ते इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा थोड़े जा रहे तो आ जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर है डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ डॉट जो शो किए हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है हूँ जब आप यदि अप्लाई करा तो जिमें आप एक साइक्लोट्रॉन अपना साइक्लोट्रॉन हूँ सके प्लस टू के पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉन जी दो डिस्क आदि परपेंडिक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो वो बहुत स्पीड न रोटेट करता सके ठीक है यदा मतलब वो रोटेट करना शुरू कर दिता तो यदा मतलब कि इलेक्ट्रॉन ने जाना तो सीधा सगा पर मैग्नेटिक फील्ड करके इधर डाइवर्ट हो गया हूँ उदा ही आप डी वन लै लो जिन्ना इतों बाहर निकल गया मैग्नेटिक फील्ड में आ उपरले पास वाला जो स्टेट लाइन से डी टू लै लो ठीक है हम आप यही वैल्यू कटनी है हूँ क्यू सी जी करूँ कि इतों आप क्यू तो सी की वैल्यू जी आर आ पॉइंट पी है बुक जी लिखा लिख लिया ठीक है हूँ आप यही वैल्यू कटनी है तो अपने को सेंट्रीपेटल जो लोजेंट फोर्स है कि बराबर होंगी है एम बी स्केयर आर अपन देखो ई इंटू बी इंटू बी इतों आर की वैल्यू कट ली हूँ आपको पता जो एक्सलिन पार्टीकल है हाफ वेलोसिटी जो ई इंटू बी के बराबर होंगी इतों बी की वैल्यू कटी है अपने को आर की जाएगी हूँ ये बी की वैल्यू आप इतने पुट करती है अपने को आर अपने को आ गया नीचे ठीक है हूँ अपने आर की वैल्यू आ गई अपने को आर हूँ आप क्डना की है डी वन तो डी टू तो डी वन की वैल्यू कटो अपने डी वन कि बराबर है देखो सी एच के बराबर सी एच कि बराबर है पी ए के बराबर है पर पी ए कि बराबर है क्यू ए माइनस पी क्यू तो क्यू ए माइनस पी क्यू कर देखो ठीक है यदि वैल्यू आर रख लो आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा के अंदर क्यू ए माइनस क्यू बी जिकलू आर वन माइनस कॉस ऑफ थीटा के हूँ आप कहना डी टू की वैल्यू पहले मंगवाई डी टू जिकलू एल इंटू टैन ऑफ फाइव जो बराबर ठीक है एल जिकलू कि बराबर है एच जी के बराबर है तो सी एफ के बराबर आ देखो आ जो ट्रैंगल है
देखो आ अपने को एल है डिस्टेंस, ये ट्रेंगल आप टेन ऑफ आई वैल्यू कर ली जी सी एफ अपॉन आ जी ठीक है डी टू तो आ सी एच के सी एफ के बराबर है एच जी के बराबर एल के बराबर है तो इस करके अपना एल के बराबर आ जी लिंक तो टेन ऑफ आई के बराबर आ गया जो फाई समाल आ तो आप टेन फाई में फाई लिख सकते हैं फाई जी टू एल अपॉन आर के बराबर आ गया ठीक है जी। उस तो बाद डी टू की वैल्यू कितनी आ गई डी टू की वैल्यू आप टेन ऑफ फाइव की वैल्यू पुट करती डेट इज कैपिटल एल इन टू समॉल एल अपॉन आर डी वन की वैल्यू अपने को कॉस फाइव की वैल्यू अपन होंगे वन जी फाइव की वैल्यू जी फाइव होंगे उन्हें वन माइनस फाइव का स्केल डिवाइड बाई टू हायर टर्म होंगे वो अपन नेट करती है तो आप वैल्यू वन माइनस कॉस फाइव से ना कॉस फाइव की वैल्यू पुट करती वन ऑफ वन कटेगा तो अपने को आ चीज रहेंगे डी वन भी आ गया डी टू भी आ गया दोनों ही वैल्यू पुट करती तो अपने को डिफ्लैक्शन सेंचुरी आ हूँ आप कढ़ना की है ये आप आर की वैल्यू पुट करती ठीक है आप कढ़ना की है डिफ्लैक्शन सेंचुरी पर यूनिट मिनट पीरियड यदा मतलब इनू बी नाल अपने वोटे ना डिवाइड किया आप बी नाल डिवाइड करना तो डी अपॉन बी जाएगा ये डिफ्लैक्शन सेंसिटी मैगनेटिक डिफ्लैक्शन सेंसिटी ठीक है जी ये अपने को आर्टिकल उस तो बाद अगे चलते हैं इन एप्लीकेशन ने एक ड्यूल बीम कैथोड रेसोलिस स्कोप होंगे एक करने की लड़ नहीं है अपना ठीक है डबल सी आर टी ट्यूब होंगे ने एप्लीकेशन की इलैक्ट्रिकल जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ने उन्होंने आप यूज करते हैं जो इलैक्ट्रॉनिक चीज़ा मेजरमेंट कर ए सी डी सी वैल्यू मेजर कर लिया उन्होंने भी आप चीज़ यूज करते हैं विजुअल डिस्प्ले की यूज करते हैं भी आप कोई वेव आ स्केयर वेव आ ट्रेंगुलर वेव आ ज साइन वेव आ ज किसी तरह की वेव वो वेव सिगनल में आप शेप में आइडेंटीफाई करने आप सी आर यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्रिकुएंसी फ्रिकुएंसी मेजरमेंट भी यूज करते हैं ठीक है जिवें वर्टिकल नंबर ऑफ रूल्स गई है तो हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ वीज ने उन्हें आप फ्रिकुएंसी मेजर कर सकते हैं ये ठीक है उस तो बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रिकुएंसी जो कंपैरिजन ऑफ फ्रिकुएंसीज है ये आप पहले भी किया है अपने बी ए फर्स्ट ईयर के ना बी एस सी फस्ट ईयर के जो आप पहला चैप्टर करते वेव एंड वाइब्रेशन लास्ट के ना थो मैं बहुत थोड़ा दसा सी भी इंपोर्टेंट आर्टिकल है जोड़ा सी जिसे आप रिलीजियस फिगर जी बना दें एलिप्स बन जाता स्टेट लाइन बन जाती सी सर्कुलर बनता आठा बनता रिलीजियस फिगरस ने जिद दो सिंपल हार्म मोशन ने ठीक है उन्होंने रिजल्टेंट जो बन जाता है जो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन ने और दो केस कर देंगे एक तो होंगे सर भी जो दोनों ही फ्रिकुएंसी सेम है एक केस आप कर देंगे जिन्हें दोनों ही फ्रिकुएंसी अलग अलग है ठीक है वो चीज़ उ आर्टिकल सारा इतने है डिटो कापी कंपैरिजन ऑफ ऑफ फ्रिकुएंसीज हम देखो किमें करा आप अगे कर दा दो सिंपल हार्मोनिक्स ले लिया एक आप एक्स इक्वल ए साइन ऑफ मेगा डी ले लिया एक ले लिया वाई इक्वल टू बी साइन ऑफ मेगा डी प्लस फाइव तो आप ये आप लैके पहला तो कॉस मेगा डी की वैल्यू कड़ ली साइन ऑफ एक्स पोन ए साइन मेगा डी आ गया कॉस मेगा डी कि आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर मेगा डी तो यह अंडर रूट आ गया ठीक है इतों साइन ऑफ मेगा डी वैल्यू कर दी हूँ कॉस थीटा भी आ गया अपने को साइन मेगा डी भी आ गया दोनों ही वैल्यू आ गई हूँ आप फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी का कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी इस साइन मेगा डी की वैल्यू पुट करती ठीक है तो कॉस मेगा डी की वैल्यू पुट करती इतों आ गए ठीक है फिर आप जो अंडर रूट से खत्म करना सी तो आप आह टर्म इधर लिया ठीक है इनू आप अंडर रूट वाली टर्म एक पास रख के आप इन स्केयरिंग करता दोनों साइड पर स्केयरिंग करके ठीक है ये तो जी कॉमन टर्म कट के पिछले क्या साइंस के मैं कॉस मैं स्केयर फाई ये वन हूँ तो अपने को इक्वेशन बन बनाई जी ने फस्ट ईयर उ चीज़ है हूँ आप फाइव की वैल्यू जीरो लेनी है तो आप फाइव वैल्यू जो जीरो पुट करेंगे ठीक है इतने की आ गया वन इतने जीरो ठीक है तो आ गई बन गया एक्स का स्केयर ए पॉन ए का स्केयर प्लस वाई का स्केयर पॉन बी का स्केयर इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई पॉन ए बी इक्वल जीरो ये की बन गया ए प्लस बी का स्केयर एक्स पॉन ए वाई पॉन बी का स्केयर ठीक है तो आ चीज बन गई ये की है इक्वेशन ऑफ द लाइन ठीक है जिड़ी कि क्वाड्रेंट लाई करते हैं फर्स्ट से अरे फर्स्ट के थर्ड क्वार्टर में चलाई करते यही बनाई से अपना डायग्राम फर्स्ट ईयर फिर सैकेंड जो पाई बाय फोर पुट करा आप
साइन डीटा कॉल फिर वाले तो अपने को लिप्स की फेशन बन जाएगी, फिर आ पार्ट बन जाएगा आईफोन जो फर्स्ट से सैकंड ट्राई करना, फिर थर्ड पाई वे एक सर्कल बन जूगा जिन्हें दो एक्सरेज ने आ सर्कल बन गया, फिर जो आप पाई की फाइव की वैल्यू थ्री पाई फोर कट करेंगे फिर अपने को लिप्स बन जूगा ये दूसरे पास लाई करूँ सैकंड फोर्थ क्वार्टर, फिर आप पांचवें नंबर पर फाइव की वैल्यू पुट करेंगे तो एक लाइन की क्वेश्चन फिर बन जूगी, ये फाइव की वैल्यू कितने पाई पुट करनी है 180 इतने एक माइनस वन बन जू एक जीरो बन जू, ठीक है तो अपने भी बन जू एक लाइन की क्वेश्चन बन जूगी जी कि हूँ उल्टा डायरेक्शन क्योंकि पहला प्लस से हूँ माइनस आया इस करके दूजे के फोर्थ क्वार्टर चलाई करते, ठीक है ये जो दोनों टाइम पीरियड की सेम से हूँ जो टाइम पीरियड डिफरेंट हो गए ये भी करवाया ना ही है तारीज भी ना एक एक्स इकड़ू ए साइन मेगा टी लेना एक लेना वाई इकड़ू पी साइन ऑफ टू मेगा टी प्लस वाई, चाहे बी ए फर्स्ट ईयर वाला कर बी एस सी फर्स्ट ईयर वाला वो भी सेम ही है, ठीक है तो आप उदी ए चो वाई की वैल्यू क्ढी साइन थीटा मेगा टी वैल्यू कड़नी कॉस मेगा टी वैल्यू कड़नी, ये फार्मूला था ए प्लस बी का लाता, फिर साइन ऑफ टू मेगा टी का फार्मूला था टू साइन ऑफ मेगा टी कॉस मेगा टी स कॉस ऑफ टू मेगा टी वन माइनस साइन स्क्वायर मेगा टी साइन मेगा टी कॉस मेगा टी साइन स्क्वायर मेगा टी की वैल्यू इतों पुट करती है, ठीक है फिर आप इधरले पास अंडर रूट वाली टर्म से बाकी सारे मैं टर्म उधर लैके, ठीक है तो उन्होंने स्केयर करता है तो एंड सॉल्व करके अपने बाहर क्वेश्चन आए रिजल्ट, ठीक है उस तो बाद उदी फाइव की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो फाइव पुट कर दो तो अपने क्वेश्चन बन गई, फाइव की वैल्यू पाई बाय टू पुट कर दो तो अपने को आह क्वेश्चन बन गई, फाइव की वैल्यू थ्री पाई बाय टू पुट कर दो तो अपने को आह क्वेश्चन सिंपल इतने क्योंकि एक ही वैल्यू है कितने साइन की वैल्यू पुट करनी है साइन जी जीरो वैल्यू पता होनी चाहिए तो पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए है पाई बाय टू की पता होनी चाहिए पाई बाय फोर की पता होनी चाहिए, ठीक है वो वैल्यू तो पुट करनी सिंपल क्वेश्चन लिखनी है तो आपने कोई को एक आह डायग्राम बनती होंगी है एक आह बनती होंगी एक आह बनती होंगी एक बनती सी पाई जीरो से, ठीक है पाई से, ठीक है आह बनती सी जीरो से पाई से डबल सर्कल पर उल्टा डायरेक्शन से आ पैराबोला बनता से यह उल्टा पैराबोला बनता जीरो पाई बाय टू सी पाई, ठीक है जी ये लीजियस फिगर्स ये नाल ही जो थोड़ा जो पहला चैप्टर से छोटा जि ये ज़्यादा इंपोर्टेंट कुछ नहीं है ये एक तो नॉर्टन थ्योरम है एक थैरम थ्योरम की डेफिनेशन एक सी आर ओ की है कैथोड ट्यूब की होंगी है वह पूरा कंस्ट्रक्शन भी वह की होंगे एक तो गन होंगी है एक एक्सग्री नोट हों, ठीक है वो सारी चीज़ें चार चीज़ें जी पढ़िया ने वो पढ़िया ने प्लस ये नाल ही अपना जो लास्ट वाला टॉपिक है कि है, ठीक है पूरे कुछ नहीं करना इन्हें थोड़ा पहला चैप्टर कंप्लीट है, ओके धन्यवाद।